नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रुखसार खान और आप देख रहे हैं जी इंडिया TV1 लाइव चैनल। खबर है यूपी के अयोध्या से, जहां पर राम मंदिर समर्थक बबलू खान 501 दिया जलाकर करेंगे खुशी का इजहार। जी हां, आपको बता दें अयोध्या में भगवान राम की जन्म स्थान पर मंदिर निर्माण की शुरुआत होने जा रही है। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या आएंगे। भगवान राम के जन्म स्थान पर चांदी की शिला से राम मंदिर निर्माण की शुरुआत करेंगे। राम मंदिर भूमि पूजन से पहले अयोध्या में दीपोत्सव जैसा नज़ारा दिखेगा। गंगा जमुनी तहजीब को सजोए रामनगरी में एक मुस्लिम परिवार भी 501 दिए जलाकर राम मंदिर भूमि पूजन पर खुशी मनाएगा। राम के जन्म स्थान पर राम मंदिर के लिए 500 वर्षों से संघर्ष के दौरान कई मुस्लिम परिवार ऐसे भी रहे जो राम भगवान के जन्म स्थान पर राम मंदिर के समर्थन करते रहे। अयोध्या के अनीस खान और उनका परिवार ऐसे लोगों में शामिल है। गंगा जमुनी तहजीब की नगरी अयोध्या में भगवान राम के भूमि पूजन के दिन यह मुस्लिम परिवार अपने घर पर दीपक जलाएगा। इसके लिए परिवार के सदस्य बत्ती बना रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गत 25 अगस्त को राम नगरी पहुंचे थे। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की तिथि करीब है, आप लोग दिए जलाने की तैयारी में है, क्या कहना चाहेंगे इसको? देखिए, कई वर्षों से राम मंदिर निर्माण की मुहिम हमने चलाया है और कोर्ट के माध्यम से रामलला टेंट से निकल करके अपने महल में जाने जा रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूँ, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अयोध्या के धरती पर आ रहे हैं शिला पूजन करने के लिए, तो कोरोना जैसे महामारी को देखते हुए हम लोग अपने अपने घरों में दीप जलाने के लिए, उनका दीप जलाकर उनका स्वागत करने के लिए हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं। और जल्द से जल्द 5 तारीख को वो 5 तारीख का हम लोगों को इंतजार है, जो 5 तारीख हिंदू मुस्लिम एकता का तारीख होगा, राष्ट्र निर्माण का तारीख होगा, देश का विकास का तारीख होगा। उस 5 तारीख के तहत हम लोगों ने ये दीप सजा करके पूरी तैयारी कर रहे हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी अयोध्या के धरती पर आए तो हम लोग उनका दीप जलाकर भव्य से भव्य स्वागत कर सकें और माननीय योगी जी के आदेशों का पालन कर सकें।